जिला मिर्जापुर तहसील की खास खबर। हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वजा तिरंगा भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस पर आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार सिंह जी ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय ध्वज के अंदर 3 रंग है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग जो कि देश की ताकत और साहस को दर्शाता है, बीच में सफेद पट्टी धर्म चक्र शांति और सत्य का संदेश लोगों को देता है, सबसे नीचे हरा रंग देश के विकास और उर्वरता को दर्शाता है, जबकि बीच में अशोक चक्र के अंदर 24 तिल्लियां हैं जो दिन में 24 घंटे को दर्शाता है। यह समय की बहुमूल्य था कि प्रतीक है और कार्यक्रम में रक्तदाताओं की उपस्थिति हुई। कार्यक्रम में जवानों के उत्साहवर्धन के लिए पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर से अधिक रक्तदान करने की अपील कर और कहा कि आज के समय में लोगों की सेवा करना बड़ा ही पुण्य कार्य है। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्राधिकारी नगर प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन PRO पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पुलिस बल के अधिकारी कर्मचारी और रिक्रूट आरक्षीगण के साथ समाजसेवी दिवाकर मिश्र और मिर्जापुर ब्लड डोनर क्लब के सदस्य कृष्णावंशी शिवम वर्मा अभिषेक साहू सौरभ सिंह व जिला मंडली चिकित्सालय रक्तकोष विभाग से राम कुमार गुप्ता माला पटेल स्वास्थ्य विभाग अमित पटेल व परीक्षण हेतु डॉक्टर PK श्रीवास्तव उपस्थित रहे। राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस पर आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला मिर्जापुर तहसील चुनार से ब्यूरो चीफ शाहिद आलम की खास खबर। जी आप अपना परिचय बताएं। मैं कृष्णानंद हेरन सिंह, मिर्जापुर ब्लड डोनर का संस्थापक। जी आज पुलिस लाइन में ब्लड डोनेशन शिविर लगाया गया है, क्या है बताएं? आज झंडा अंगीकरण दिवस है, जो कि राष्ट्रीय झंडा दिवस का अंगकरण मतलब उनको लॉन्च किया गया था, उसके उपलक्ष्य में पुलिस लाइन मिर्जापुर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। आज के रक्तदान शिविर का उद्घाटन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने किया। मौके पे SSP मौजूद थे, CCP मौजूद थे और यहाँ पे सभी जो ट्रेनिंग करने पुलिस के विभाग में आए हुए हैं सबका आज रक्तदान होगा। कितने लोगों तक का हो गया है और कितने लोगों का होगा? अभी लगभग 6 लोगों का हो चुका है। लगभग उम्मीद है कि 25-30 मिनट रक्तदान होगा, जिसमें से संख्या तो काफ़ी लोग संख्या है, लेकिन जो मेडिकल चेकअप होता है उसके बाद ही 25-30 का अनुमान लगाया जा रहा है। ये आप अपना परिचय बताएं। जी मैं राम कुमार गुप्ता, जनसंपर्क अधिकारी रक्तकोष मंडली जिला चिकित्सालय मिर्जापुर। जी आज पुलिस लाइन में ब्लड डोनेट शिविर लगाया गया है, क्या है बताएं? जी हाँ, एक्चुअली ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो गई है, इसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय से बात करके RI के सहयोग से पुलिस लाइन में आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिससे कि जिले में किसी को रक्त की कमी से जूझना न पड़े। और एक हमारा प्रयास है कि जो भी रक्त की जरूरत जिसको हो उसको आसानी से रक्त की उपलब्धता कराया जा सके। जैसा कि विदित है कि हमारे जिले में बहुत सारे थैलेसीमिया ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं जिन्हें रेगुलर रक्त की जरूरत पड़ती रहती है, और ऐसे लोगों के लिए भी इस कैंप का आयोजन किया गया है। तो अब तक क्या लक्ष्य है, कितने लोगों को लगाया गया है? आज 25 यूनिट लेने का लक्ष्य है, अभी 6 या 7 लोग अभी दे रहे हैं, बाकी लोग लाइन में लगे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। उम्मीद है कि 25 यूनिट आज हमारा हो जाएगा। थैंक यू सर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।